जी हाँ, तो चना मसाला बनाएंगे आज हम। तो इसके लिए हमने ब्लैक चना लिया है, जो रात भर उसको सोक कर दिया, फिर पानी में 7-8 घंटा होने के बाद उसको बॉईल कर दिया, और आलू भी बॉईल किया। अभी छोंक लगाने के लिए मैंने अदरक, मिर्ची और मस्टर्ड ऑयल में डाल के, हींग और हल्दी, इन पोटैटो को पहले डाल देना, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। पोटैटो चना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा हल्दी, रेड मिर्च पाउडर, आप जिस जितना तीखा खाना खा पसंद करते हैं उतना मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। सॉल्ट डाल दीजिए, मैंने सॉल्ट बॉईल करने के टाइम भी डाला है, तो थोड़ा मीडियम डाल सकते हैं। अच्छे से मसाला मिक्स कर दीजिए। इन चना काफ़ी टेस्टी लगता है, और जो आप कूटी हुई लहसुन की कलियां डालना चाहते हैं तो वो भी इस तरह कर सकते हैं। ओरिजिनली पत्थर के साथ कूट लिया है। काफ़ी टेस्टी चना मसाला रेडी है। बस सारी चटनियाँ, ग्रीन, मीठी, तीखी, कोई भी डाल के आप सर्व कर सकते हैं। ऊपर सेव गार्निश कर दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।